हेलो दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है? आप गाड़ी को बहुत तरीके से चलाते हो, फिर भी गाड़ी आपकी एवरेज नहीं दे रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गियर शिफ्टिंग कैसे करना है, आरपीएम कैसे अपने को मेंटेन करके रखना है ताकि आपकी गाड़ी एवरेज पे रहे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल मैकटेक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, क्या करना अपने को, जैसे अपने गाड़ी को चलाते हैं और अपने गियर शिफ्टिंग करते हैं, तो इसी गियर शिफ्टिंग गाड़ी को और चलाने के दौरान ही अपने एवरेज मेंटेन कर सकते हैं गाड़ी की। ऐसी कोई बात नहीं होती कि गाड़ी को अपने जैसे मर्जी चलाएं और गाड़ी के एवरेज में ही रहेगा इंजन, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे अपने गाड़ी का गियर शिफ्ट करते हैं या फिर जैसे गाड़ी को अपने यूज करते हैं उस हिसाब से गाड़ी एवरेज देती है। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको एक सिंपली और एकदम नॉर्मली टिप्स देता हूँ आपको कि गाड़ी चलाने का फर्स्ट गियर में गाड़ी को कैसे चलाना है, सेकंड गियर में गाड़ी को कैसे चलाना है और फिफ्थ गियर में। तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको जितनी स्पीड चाहिए आपको उतनी मेंटेन रखना, परंतु आरपीएम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो कि बड़ी गाड़ियों में तो आरपीएम मीटर देते हैं, स्विफ्ट गाड़ी से स्टार्ट हो जाता है लगभग, और जैसे छोटी गाड़ी है अल्टो है और ये क्यूविट वगैरह आती है, इनमें आरपीएम मीटर नहीं आता, पर बड़ी गाड़ियों में आरपीएम मीटर आता है। ये मेरे पास गाड़ी है स्विफ्ट 2015 मॉडल और इसके अंदर आरपीएम मीटर है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर कैसे अपने को आरपीएम को एडजस्ट करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपने को जैसे ही फर्स्ट गियर शिफ्ट करते हैं गाड़ी के अंदर, फर्स्ट गियर शिफ्ट करने के बाद में आरपीएम को हमेशा 2000 के अंडर में रखना है। यहाँ 2000 है, इसके अंडर में ही आरपीएम को रखना है फर्स्ट गियर के अंदर। कुछ गाड़ी ओनर क्या करते हैं, गाड़ी का फर्स्ट गियर डालकर और आरपीएम इतनी रेस दे देते हैं गाड़ी के अंदर फर्स्ट गियर के अंदर कि आरपीएम 3 से 4 या 5 हजार पे आ जाता है, तो वो बिल्कुल एवरेज के विपरीत चला जाता है गाड़ी, बिल्कुल इंजन एवरेज तो भूल ही जाओ आप, और डबल तेल पीने लग जाता है इंजन गाड़ी का, ठीक है दोस्तों। तो आपको फर्स्ट गियर डालते ही गाड़ी का जो आरपीएम मीटर है उसको 1000 से 2000 के बीच में मेंटेन रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में सेकंड गियर के अंदर 1 या 2 के ऊपर मेंटेन रखना है। इसी प्रकार जितना अपने को गियर शिफ्ट करना है, परंतु इस प्रकार से गियर शिफ्टिंग करनी है अपने को गाड़ी की कि अपने को आरपीएम मीटर में जो मीटर है वो 1 या 2 हजार के बीच में ही रखना है, या तो 1 पे रखो। अभी तो ये गाड़ी क्या है कि ठंडी है, तो अभी गाड़ी स्टार्ट की है, डीजल इंजन है, तो इस पे थोड़ा सा आरपीएम बढ़ रखा है, फिर जैसे ही गाड़ी गर्म होगी तो आरपीएम नीचे आ जाएगा। फिर अपने वो गियर शिफ्टिंग करके 1 या 2 के अंडर में आरपीएम रखोगे गाड़ी का, चाहे आप 80 की स्पीड में चलो चाहे 90 की स्पीड में चलो, पर आप आरपीएम का जो मीटर है उसको 1 या 2 के बीच में ही रखो, आपकी गाड़ी बेशक एवरेज देगी और बिल्कुल बेमिसाल एवरेज देगी। एक बार ट्राई तो करके देखना दोस्तों, आपकी गाड़ी जरूर एवरेज देगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।